आईएएस ऑफिसर के लिए है ये जो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। क्या आपको पता है जब वादियां हसीन होती हैं तो खाने का दिल खुद ब खुद करने लगता है। अच्छा खाना इन वादियों में कहाँ मिलेगा ये आज मैं बताऊंगी। और ये वादियां कौन सी है ये भी सऊदी अरब के जस्सा में। ये उनका क्या लिखा हुआ है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा खाना। अच्छा अब वक्त आ गया है आपका इंतजार खत्म करने का और बताने का कि ये वादियाँ कौन सी हैं। ये वादियाँ हैं मसूरी की। जी हाँ, इंडिया और उत्तराखंड का फेमस हिल स्टेशन मसूरी। यहाँ पर न जाने हर साल रोजाना कितने टूरिस्ट आते हैं। और देखिए, जब आप कहीं घूमने जाते हैं तो आपको दो ही चीज़ की तलाश होती है, एक तो अच्छा पिकनिक स्पॉट और दूसरा अच्छा खाना। आपको मसूरी में अच्छा खाना कहाँ मिलेगा जो आपको दिल्ली की याद दिला दे, वही मैं आज आपको बताऊंगी। जी हाँ, मुगल दिल्ली 6 में आपको दिल्ली जैसा टेस्टी खाना मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या मिलेगा। ये है शान भाई, मुगल दिल्ली 6 के ओनर। आपके यहाँ की स्पेशल चीज क्या क्या है? हमारे यहाँ चिकन तंदूरी स्पेशल है, अफगानी है, चिकन टिक्का साले तो स्टार्टर में है, सीख कबाब है, अच्छा मटन नहारी है, अंगारा है, चंगेजी है, सारे मुगलई फूड हमारे यहाँ। सारे मुगलई फूड यहाँ है तभी इसका नाम दिल्ली 6 है। यहाँ पर आने का टाइमिंग क्या है, मतलब कितने बजे से आपकी? 12 से रात को 11 बजे। मतलब 12 से पहले आएंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं? स्टार्टियम दोपहर से करते हैं। अच्छा, मतलब लंच और डिनर यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। इस रेस्टोरेंट की सबसे खास और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको वेज और नॉन वेज दोनों ही खाने मिल जाएंगे और वो भी बहुत ही टेस्टी। वीडियो के स्टार्टिंग में आपने कुछ पिक्चर्स देखी थी, आपको लगा होगा कि मैं किसी पिक्चर का रिव्यू कर रही हूँ। नहीं, मैं पिक्चर का रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि हाल ही में हुई तड़प पिक्चर की शूटिंग के दोनों स्टार आयान शेट्टी और तारा सतारिया जब तक यहाँ रहे इसी रेस्टोरेंट के खाने का मज़ा लिया है उन्होंने भी। ये जो है ये तो हैदराबाद के मुफ्ती साहब का, अच्छा, और हाई कोर्ट के जज का ये है सऊदी अरब के। ये सऊदी अरब के जज साहब है, ये उनका रिमार्क है। क्या लिखा हुआ है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा खाना। अच्छा, आईएएस ऑफिसर के लिए है ये जो यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है मसूरी में, आईएएस ट्रेनिंग सेंटर जी। उसके ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ आते हैं और अपने वेलकम के लिए। अच्छा, ये उनके वेलकम के लिए। ये जो पेंटिंग है जामा मस्जिद जो बनाई है अंग्रेज लड़की ने बनाई है। अच्छा जी, हाँ, ये जो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, ये आपको मतलब गिफ्ट दिया गया है किसी फॉरेनर ने? लड़की ने बनाया, 4-5 दिन रुक के सब हाथ से बनाई हमने। मतलब ये वॉल पे ही है? वॉल पे ही है, पेंट हुआ। अच्छा, ये पेंट हुआ हुआ है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि कैनवस पे है किसी की लगा लिया जाए, ये वॉल पे ही पेंटेड है और किसी फॉरेनर ने यहाँ पर इनके लिए बनाया था। बहुत खूब। अच्छा, इसका एग्जैक्ट एड्रेस क्या है कोई अगर आना चाहे? स्टेट बैंक के पास है, डोमिनोज नीचे है। हाँ, लैंडमार्क के लिए डोमिनोज मैंने दिखाया था। स्टेट बैंक है और ट्रॉली है अपन गन हिल वाली, वो भी पास में ही है, पिक्चर पैलेस से पास पड़ता है। अच्छा, पिक्चर पैलेस के पास रहता है और अपोजिट डोमिनोज है। yes. सबसे अच्छा लैंडमार्क है ये मुगल दिल्ली 6 में आने के लिए। शुक्रिया शशांत भाई। मुगल दिल्ली 6 की लोकेशन बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा इंटीरियर है। आप अंदर से बैठ के बाहर सारा नज़ारा देख सकते हैं, आपको सामने डोमिनोज भी नज़र आ रहा होगा, तो आपको सीधे वहीं पर सामने चले आना है मुगल दिल्ली 6 का टेस्टी खाना खाने के लिए। और इस टेस्टी खाने की जितनी मैं तारीफ करूँ उतनी कम है, तो नेक्स्ट टाइम आप भी ट्राई करेंगे क्योंकि आपका मसूरी का ट्रिप अधूरा होगा बिना मुगल दिल्ली 6 का खाना खाए। और इसकी टीम के लिए एक लाइक तो बनता है। जी हाँ, यही वो जाबाज टीम है जिसने इतना टेस्टी खाना बनाया है। अगर आपको यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन मसूरी का सफ़र मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, मसूरी में बहुत कुछ है अभी देखने के लिए। यहाँ के बेस्ट कैफेज़ और यहाँ के
अंग्रेजों के जमाने का रेस्टोरेंट, वो भी अभी देखना बाकी है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। टेक केयर, कीप स्माइलिंग ऑलवेज।